प्रेम विवाह करने के उपाय। दोस्तों, प्रेम विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए अपनाइए जोशी उपाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लव एस्ट्रोलॉजी देव दर्शन में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी प्रेम विवाह में आ रही समस्याओं को दूर करने के उपाय। दोस्तों, आधुनिक जीवन शैली के साथ साथ लोगों की सोच भी आधुनिक हो गई है, लेकिन एक चीज है जो आज भी नहीं बदली, वो है विवाह की रस्में। अब लोग प्रेम विवाह को ज्यादा महत्व देने लगे हैं, लेकिन ऐसा कतई भी जरूरी नहीं है कि आप प्रेम संबंध में हैं तो आपका प्रेम विवाह निश्चय होगा। हिंदू धर्म में 8 तरह के विवाह विधान हैं, जिसमें ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और पैशाच विवाह को सबसे नीचे की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गंधर्व विवाह को ही प्रेम विवाह कहा जाता है। गंधर्व विवाह के अंतर्गत स्त्रियां और पुरुष अपनी मर्जी और अपनी पसंद से एक दूसरे से विवाह करती है। दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको कि प्रेम विवाह किसका होता है, कौन से ग्रह होते हैं, कौन से योग होते हैं जिनकी वजह से प्रेम विवाह बनता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति का प्रेम विवाह होगा या नहीं, ये सब कुंडली के द्वारा तय किया जाता है। कुंडली में विराजमान ग्रहों की स्थिति से पता चलता है कि आपका प्रेम विवाह होगा या नहीं। आप कुंडली में विराजमान ग्रहों से पता लगा सकते हैं कि आप उस व्यक्ति के जीवन में प्रेम विवाह है या नहीं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह कुंडली से आप प्रेम विवाह के योग का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, प्रेम विवाह का भाव कुंडली का सप्तम भाव होता है। यदि सप्तम भाव का संबंध कुंडली के तीसरे, पांचवें, नौवें या फिर बारहवें भाव से है तो जातक का प्रेम विवाह होता है। दोस्तों, लगन स्थान के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी के बीच युति हो तो ऐसी स्थिति में जातक के प्रेम विवाह होते हैं। दोस्तों, लेकिन हमारी कुंडली में प्रेम विवाह के योग होते हैं, लेकिन हमारे माता पिता हमारे प्रेम विवाह के लिए रजामंदी नहीं देते, तो आप कुछ उपाय करना चाहते हैं जिनकी मदद से आपके घर वाले आपकी लव मैरिज के लिए मान जाए, तो आपका स्वागत है। तो मैं आपको बताती हूँ प्रेम विवाह के उपाय। दोस्तों, यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं और अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं, लेकिन आपके परिवार वाले आपको अनुमति नहीं दे रहे या फिर कोई और समस्या है आपके प्रेम विवाह के बीच, तो आप ये उपाय एक बार जरूर अपनाएं, मदद कर सकते हैं आपके प्रेम विवाह के लिए। इसके लिए आपको सबसे पहले बांसुरी भेंट करनी होगी। दोस्तों, प्रेम का प्रतीक भगवान श्री कृष्ण जी होते हैं। आपने अगर उन्हें प्रसन्न कर लिया तो समझो आपके प्रेम विवाह की सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए आपको किसी भी कृष्णा मंदिर में जाना है, वहां पर कृष्ण भगवान जी को पान और बांसुरी भेंट करनी है। यदि किसी के प्रेम विवाह में रुकावटें आ रही है तो वह व्यक्ति माँ दुर्गा की उपासना करे, माँ दुर्गा के मंदिर में लाल रंग की ध्वजा चढ़ाए। इस उपाय को करने से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। दोस्तों, माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाएगी और आपके प्रेम विवाह में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। दोस्तों, शिव का रुद्राभिषेक। दोस्तों, अगर प्रेम विवाह के इच्छुक हैं तो आप भगवान शिव के स्वरूप शिवलिंग का शहद रुद्राभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव की कृपा से आपको मनचाहा जीवन साथी अवश्य मिलेगा। दांपत्य सुख के प्रतीक भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन से भी विवाह में आ रही सभी तरह की बाधाएं दूर हो जाएंगी। नियमित रूप से मंदिर जाकर आप शिव पार्वती की आराधना करें। गुरु विवाह का कारक है तो आप उन्हें भी प्रसन्न करने के लिए विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी। दोस्तों, इन उपायों की मदद से लाखों लोगों ने अपने प्रेम विवाह में सफलता पाई है। दोस्तों, आप भी सफलता पा सकते हैं अपनी लव मैरिज से। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये उपाय टोटके पसंद आए हो, तो आप हमारी यह वीडियो लाइक करें और साथ में आप हमारे YouTube चैनल लव एस्ट्रोलॉजी देव दर्शन को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत